जब इतने बड़े राज्य में रह रहे हैं तो वहाँ पे एक लार्ज स्केल में लोग रहते हैं, गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, और उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना, उनकी बातों को समझते हुए उनको समझाना, उनकी कमियों को वहाँ कहाँ उनके उन उनमें उनको कमी हुई, इम्पोर्टेंट है ये कि उनके पास डोर टू डोर जाया जाए, क्योंकि सबको ही सक्षम नहीं है कि संतोष सुमन पढ़ा लिखा है मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो 9 महीने का कार्यकाल जीतन अम्बान जी के लिए कम था, तो अब अपने पुत्र को प्रमोट कर रहे हैं, सुलझे हुए और पढ़े लिखे इंसान है डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन अम्बान जी का गरीब संपर्क यात्रा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा भी इतने विवादों में नहीं गिरी रही। बिहार में कई यात्रा अभी चल ही रहे हैं और जीतन राम मांझी की यात्रा एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में है। रंजन सिंह हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी युवा मोर्चा से। रंजन जी, आपकी यात्रा सुर्खियों में है, हालांकि जीतन राम मांझी के बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। सबसे पहले बता दीजिए दर्शकों की यात्रा का उद्देश्य क्या है, किन मुद्दों को लेकर जीतन राम मांझी जा रहे हैं? देखिए, एक बात समझिए कि ये जो हम यात्रा कर रहे हैं, ये इसका नाम ही बहुत कुछ आपके सामने रखने में सक्षम है, गरीब संपर्क यात्रा। आप जब इतने बड़े राज्य में रह रहे हैं तो वहाँ पे एक लार्ज स्केल में लोग रहते हैं, गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, अल्पसंख्यक हैं, स्वर्ण भाई हैं, जो हर तरह के लोग यहाँ पे हैं, और उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना, उनकी बातों को समझते हुए उनको समझाना, उनकी कमियों को वहाँ कहाँ उनके उनमें उनको कमी हुई है अभी तक के काम में, उस चीज़ को सही करना, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये कि उनके पास डोर टू डोर जाया जाए, क्योंकि सबको ही सक्षम नहीं है कि वह पटना तक हमारे हम तक पहुंच पाए। तो हमारी पार्टी ने इस चीज़ को प्लान किया कि क्यों ना हम उन गरीबों के डोर टू डोर जाएं और उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। गरीबों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते करते मांझी जी अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने लगे, अब मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा कर रहे हैं कि संतोष सुमन पढ़ा लिखा है मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। देखिए, एक बात आप समझिए, आज मांझी जी कुछ बोल पा रहे हैं वो इसी कारण बोल पा रहे हैं कि उस जगह पे वो बैठे हुए हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक दलित परिवार से आने वाला व्यक्ति जब मुख्यमंत्री 9 महीने के लिए बनता है और वो बिहार की दिशा और दशा को बदलने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो स्वाभाविक है उनकी वही सोच है, उसी सोच से वो काम कर रहे हैं कि अगर ये काम ये अगर आगे बढ़ता है, ये कारवा अगर आगे बढ़ता है, तो एक स्वर्णिम बिहार जो है वो हमारे सामने आएगा। 9 महीने का कार्यकाल जीतन राम मांझी के लिए कम था, तो अब अपने पुत्र को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, पुत्र नहीं, देखिए पुत्र की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप ये ऐसे समझिए कि वो एक सुयोग्य सुलझे हुए और पढ़े लिखे इंसान है डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी की बात आप कर रहे हैं, तो आप एक बात समझ के चलिए, वो डॉक्टरेट हैं, एक प्रोफेसर हैं वो, उसके साथ साथ वो मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी बातों को जब आप उनके उनके कभी भी भाषण को सुनिएगा तो कभी भी आप समझेंगे, बड़ी गहराई से बोलते हैं बातों को, तो वैसे सुयोग्य व्यक्ति को तो वो जनता ही प्रमोट कर देगी, मांझी जी बोले तो ये बहुत छोटी बात है। मारा मारी है सीएम की कुर्सी को लेकर, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, भाजपा में कई नेता है, उपेंद्र कुशवाहा है, अब जीतन राम मांझी ने भी अपने पुत्र को प्रमोट कर दिया। देखिए, हम मारा मारी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं। एक बात समझिए कि आप तो इतने आप भी बिहार प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये दलितों के साथ तो अभी तक क्या हुआ, शोषण ही हुआ है, उनके अधिकार से उनको वंचित रखा गया है। आप समझिए, इतने बड़े काल में मतलब दो ही दलित हुए और उनको भी संपूर्ण रूप से काम नहीं करने दिया गया, लेकिन दोनों ने जैसा आप बोला पासवान शास्त्री जी की बात आप कर रहे हैं, वो 2-3 बार के लिए रहे लेकिन कभी भी 5-6 महीना 7 महीना से ज्यादा उनको नहीं रहने दिया गया, लेकिन आज भी उनकी उनको माना जाता है क्योंकि उस इस पूरे बिहार के बहुत सारी चीजों को वो चेंज करने में मतलब अपनी कड़ी भूमिका निभाए। यादव का मरते मरते दम तक उनके पास कफन का पैसा नहीं था, इतने ईमानदार व्यक्तित्व के। 9 महीने का कार्यकाल नीतीश जी ने दिया और उसका परिणाम आपने देखा कि कितना बढ़िया से काम किया था उस 9 महीने के अंदर में। नीतीश जी ने 9 महीने के लिए बनाया था, आप नीतीश जी की कुर्सी खींच रहे हैं? नहीं, हम लोग खींच नहीं रहे हैं, हम तो देखिए हर आदमी का अपना माननीय नीतीश जी का
अगर आप बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही परिपक्व नेता है और वो आज कह सकते हैं कि आज इस राजनीतिक में उनसे बड़ा ओहदा किसी के पास नहीं है। गलत संदेश आप दे रहे हैं ना, जा रहे हैं कह रहे हैं कि शराबबंदी विफल है। अब नीतीश जी अभी कह क्या है कि शराबबंदी सही है? हमने विफल नहीं कहा है, हमने कहा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको सॉर्ट आउट किया जाए। आप माझी जी की बात, तो नीतीश जी जाके बोल रहे थे कि मेरी सबसे अच्छी योजना बिहार में शराबबंदी। योजना और उसको इम्प्लीमेंट करना और करने वाले लोग कैसे हैं, इन सारी बातों पे कड़ियां जुड़नी चाहिए। आपने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम दे दिया हा? आप एक चीज को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, आपने अपने के स्टूडेंट को पढ़ाए सेम चीज, तो आपका स्टूडेंट किसी और को पढ़ाए, वो स्टूडेंट किसी और को पढ़ाए, अब आप आपके पैरेलल में कभी वो बंदा पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बातें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहां तक धरातल तक कितना जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रॉब्लम यहाँ है, माझी जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं उस चीज का शराबबंदी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। और ये रियलिटी आप जाके जेलों में देखिए, मतलब हजारों हजार दलित भाई हमारे जो है, शोषित भाई है, जो पड़े हुए हैं जेल के अंदर, वो मोहताज है कि वो बेचारे छूट पाए। भुइयां समाज को आगे बढ़ाने की जीतन मांझी ने बात कही, लगता है कि अब बिहार में एक तरफ जहां ओबीसी इतनी बड़ी संख्या में हैं, जिसके प्रतिनिधित्व के तौर पर नीतीश कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी बनेंगे, दलितों की जो संख्या, एक बात तो इस पे हम आपको थोड़ा सा हम रोकेंगे। माननीय नीतीश जी को अब जितना, क्योंकि वो अपना राजनीतिक करियर जो है वो बहुत ऊपर लेवल तक ले गए हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश होगी, वो भी एक अच्छे नेता हमारे हैं, और आप जैसा तेजस्वी जी के बारे में बोले हैं तो वो भी बहुत अच्छे नेता हैं, और उनके फादर राजनीति के एक ऐसे लेवल में पहुंचे हुए व्यक्तित्व हैं कि मतलब आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इनके, और रही बात आप जब तेजस्वी जी की बात करेंगे, तो उनके पास एक बहुत बहुत समय है, वो युवा नेता है, बहुत समय है, उनके पास एक जनाधार है, लेकिन उनका क्या जो दलित है, जो शोषित है, उनका क्या, उनके लिए भी तो कभी सोचिए आप, मतलब उनके लिए जीतन मांझी खड़े हैं, स्वाभाविक है, खड़ा रहना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो आप लोगों ने एक कंपटीशन खड़ा कर दिया तब तो बिहार में, हमने कंपटीशन सभी नेताओं के बीच एक और युवा चेहरा मांझी जी ने प्रमोट किया। देखिए युवा चेहरा सुयोग्य चेहरा, कर्मठ चेहरा, और अपने आप अपनी बातों को बड़ी दृढ़ता से रखने वाले चेहरा को उन्होंने आगे किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार में अभी जितने भी युवा हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो मुख्यमंत्री के देश में। अब देखिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं, हम बस ये कहेंगे कि हाँ, आप किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो वो या तो व्यक्तित्व के हिसाब से हो, या तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हो, या तो उनके बोलने बात करने के लहजे से हो, हर एक एक मतलब अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठना, खाना, मिलना, बोलना, इन सारी चीजों को उनके पास, उनके डोर टू डोर जाना, जितना भी रैली हो रहा हो साथ एक साथ जुड़ते हुए चलना, उतना प्रोटोकॉल नहीं निभाना, तो ये जुड़ाव होता है, गरीबों के साथ जुड़ाव होता है, तो गरीब इस चीज को सोचते हैं, वो समझते हैं, उनको लगता है कि अगर ये हमारा नेता भविष्य में अगर ये बन जाते हैं तो हमारे हर उस बातों को समझने का प्रयास करेंगे, और अगर वो हमारी बातों को समझेंगे तो स्वाभाविक है हमारा विकास होगा। तो अब वो समय आ गया है कि लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि मतलब अब कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। देखिए सबको समय मिला है, सबको, हम ये नहीं कह रहे कि वो गंदे हैं, वो खराब है, वो अच्छे, हमने ये कहा है कि हमारे नेता भी उस लाइन में है, लाइन में नहीं है, सबसे ऊपर है, हर उस लेवल पे अगर जब चेक करेंगे तो वहां पे वो बैठे मिलेंगे, और हमें लगता है कि उनको आगे बढ़ के मिलना चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। देखिए जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद बिहार में एक बार फिर से चर्चा छिड़ी है, और ये चर्चा काफी तेज है कि आने वाले दिनों में बिहार में अभी तक 3-4 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, अब जीतन राम मांझी ने संतोष सुमन को भी प्रमोट कर दिया है, ये लड़ाई बड़ी कांटे की है। जीतन राम मांझी का मानना है कि देश में 90% गरीब तबके के लोग हैं, तो उन लोगों की अगर सम्मान की बात हो तो संतोष सुमन को एक बार प्रतिनिधित्व का मौका बिहार में मिलना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।